और हमारी जो YouTube टीम है, मेरा चैनल प्रजा की आवाज़ है, कैमरा के पीछे जो है वो है बरसों तक लाइव, और एक और हमारे साथ हैं वो राज संवाद की टीम है। तो आज हम यहाँ टाउनशिप में और यहाँ पे कोऑपरेटिव मार्केट है, चाय के दुकान पे बैठे हुए हैं। यहाँ सारे लोग मैदा पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि बेगूसराय का अगला सांसद कौन हो। भैया कौन होगा बेगूसराय का अगला सांसद? गिरिराज सिंह। आपको क्या लगता है कौन होंगे? तनवीर हसन। और भैया बैठने दीजिएगा। तनवीर हसन, ऐसा क्यों लगता है कि अभी सब लोग बोल रहे हैं कि गिरिराज सिंह होंगे, लेकिन आपको तनवीर हसन का सिलेक्शन आपने क्यों किया? इसका कुछ अपना अपना पसंद होता है। उनकी कौन सी बात है, उसका कौन सा विजन जो आपको अच्छा लगा? आम आदमी में पहुँच उनकी अच्छी है। सबसे बड़ा बात है कि बेगूसराय के लोकल पर हैं। अब हमें कोई काम पड़ेगा तो गिरिराज सिंह के पास हम जाएंगे काम खोजने के लिए। अच्छा, कन्हैया कुमार भी तो लोकल है, तो हो सकता है वो तो युवा भी युवा, लेकिन नया है ना एक्सपीरियंस की कमी। वो बूढ़े हो गए, वो तो समझ रहे हैं ना, बूढ़े तो ये भी हो गए ना गिरिराज जी। तो कन्हैया कुमार में क्या आपको खराबी लगती है जो आप तनवीर? खराबी मैंने कहाँ बोला, मैंने क्या बोला, अभी उनमें एक्सपीरियंस की कमी है। कमी है। आप किनको सेलेक्ट, किनको सांसद बनाना चाह रहे हैं? हाँ आप मोदी के। अच्छा, कुछ पेंशन वेंशन दिया है कि ना? हाँ दिया है। कौन पेंशन? 400 महीना का। अच्छा, 400, लेकिन ज्यादा मिलना चाहिए था। नहीं मिला छो? तनवीर हसन कन्हैया कुमार को देख मन नहीं करे छो? अच्छा, मतलब कैंडिडेट नहीं मिले बिल्कुल, है ना? बोले नहीं छो? अच्छा, कन्हैया कुमार बोले छे कि हम गरीब के बेटा छे, तो तू तो गरीब छो, सपोर्ट करे नहीं? गांव में आधा भी वोकन वोट आधा मोदी। तो हर वोट किया जाए छे कन्हैया? एक बार और जीते, एक बार और मोदी सरकार। ये अंकल बैठे हुए हैं, चंदन टीका किए हुए हैं, क्या समझे मोदी सरकार? अरे तब कन्हैया कुमार अपने पिताजी के मुंडन में, सॉरी मृत्यु पे मुंडन नहीं करवाए? हिंदू संस्कार को नहीं मानता है, यही ना कहना चाहिए? जी जी, लेकिन एक वैचारिक लड़ाई वो लड़ रहा है, ठीक है ना जी। उसने अभी एक बीएड में घटना घटी, एक कटरा में किसी आदमी को, हाँ जा जी कोऑपरेटिव में आइए, पीछे चाय की दुकान पे। हाँ, इस अंकल जैसे पूछते हैं कोऑपरेटिव में चाय की दुकान पे। अगला सांसद कौन होगा? गिरिराज सिंह। आपका क्या विचार है? गिरिराज सिंह। अच्छा, आपके बगल में आपके मित्र ही लगते होंगे, उनका सिलेक्शन है कन्हैया कुमार, आप गिरिराज सिंह को क्यों सपोर्ट करें? गिरिराज देशद्रोही। आपके मित्र मानते हैं कि कन्हैया देशद्रोही है, पहली बात तो हिंदी में मतदान का शाब्दिक अर्थ होता है अपने अपने मत का, ठीक है? हो सकता है कहीं प्रोफेशनली बिजनेस पर्पज से हम एक हुए, लेकिन हमारा विचारधारा अलग है। बीएड में एक एग्जम्पलरी बात थी, कन्हैया रात के 11 बजे जाके एक आदमी को, मतलब वारंटी मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी उसके घर से पकड़ के दूसरे को लाया और रात में ही जा करके वहां से उसको छुड़वाया। नोबडी कैन डू इट। कोई भी एमपी में ये पोटेंशियल नहीं है, और स्थानीय रिक्ता है, वैकुम है बेगूसराय में नेता की। इसलिए कन्हैया पर अभी है, जीत हार अलग बात है, लेकिन मेरा मत उनको जाएगा। वो भैया बोल रहे थे कि एक्सपीरियंस की कमी है, एक छोटा मोटा काम करने से उसको एक्सपीरियंस वाला शुरू मान। एक्सपीरियंस कोई ना कोई तो कभी न कभी सीखेगा ही ना, मौका देंगे तभी तो उसके पास एक्सपीरियंस आएगा। नहीं नहीं, कौन सीखा हुआ हमको बताइए? क्या तनवीर हसन में 6वीं बार तनवीर हसन की हार हो चुकी है, 6वीं बार, ई बार 6वीं बार उसकी हार होने जा रही है, ठीक है ना? 6 बार मतलब लगातार पलट किया है। एक्सपीरियंस होते हुए भी हार जाते हैं, इस पे आपका क्या क्या दिक्कत? एक्सपीरियंस तो बहुत आदमियों के, बोल इंदिरा गांधी हार गई उसके बारे में वाजपेयी जी हार गए थे, तनवीर हसन हम जो पूछ रहे आप, वाजपेयी जी हार गए थे, अब समझाइए हमको, भाजपा का गठन वाजपेयी जी से हुआ है ना, जानते हैं ना, तो वो भी हारे हुए हैं, आप बताइए। ये बोल रहे हैं एक्सपीरियंस होता है, लोग समझते हैं धीरे धीरे, इस पे आपका क्या कहना है? एक्सपीरियंस होता है, लेकिन धीरे धीरे लोग समझते हैं इसमें एक्सपीरियंस, इसको मौका मिलना चाहिए। एक छोटी एग्जांपल बता रहा हूँ,
कल रिफाइनरी में एक इंसिडेंट हुआ, पब्लिक डोमेन में लाइए न लाइए वो आपका मैटर है, आप बता सकते हैं? हम बता सकते हैं, ठीक है ना। एक अधिकारी ब्यूरोक्रेट डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये अंडरटेकिंग पीएसयू है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की चेष्टा किया, एक वही सज्जन रोके तो पूरा सिस्टम का आंख का मतलब उनके को बाजन हो गए। कल कन्हैया एक ऐसा लड़का जिसको कहेंगे कन्हैया यहाँ ये किया, तू आकर के उसको रगड़ देगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, किसी में ताकत नहीं है, न तनवीर है न कोई है, ठीक है ना। अच्छा फर्टिलाइजर बंद हुआ, हाँ क्या रीजन? फर्टिलाइजर बंद हुआ आप कहिएगा कम्युनिस्ट पे, एक सिस्टम से कहा नहीं तो आप सुनने की भी चेष्टा कीजिए, हम लोग भी ले में नहीं था तो वो डिग्री है आपसे लंबा डिग्री सब आदमी के पास है, ठीक है ना, इसलिए बहुत बच्चे हैं। एक कारण से कोई चीज नहीं बनता है, आप घर में अपने माँ के करीब है कि फादर के करीब, हमको इस बात का रिप्लाई पहले कीजिए, क्या दोनों से अलग हो चुके हैं आप? एक सिस्टम बहुत कारण से बंद होता है, इकोनॉमिक और नहीं, जिसका रिलेशन नहीं स्मूथ होगा उसका मतलब पॉलिटिकल करियर क्या होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप थोपना चाहते हैं, पहली बात हाँ बोलिए, आप कम्युनिस्ट को थोकना चाहते हैं जो कम्युनिस्ट के चलते फर्टिलाइजर बंद हुआ, ये एक अकेला कारण नहीं है, दूसरा क्यों मतलब कोई क्यों ने मतलब इसको चालू कर दिया है? अभी तो हम तो कभी मतलब सत्ता में नहीं आए, सत्ता का वैसा कभी सब, एक बंगाल का उदाहरण दे दीजिएगा, भटका चाइना ले जाइएगा, सवाल है कहीं आप कंसंट्रेट कीजिए। एक लड़का आज मैं कुछ कहना चाह रहा, ठीक है लीजिए उन्हीं से कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा उनका बोलना है कि कांग्रेस लोग ने फर्टिलाइजर बंद नहीं किया, इस पर आपका क्या कहना है? चालू कौन किया, चालू होने वाली है आगे? अच्छा ये चीज मानते हैं कि नहीं चालू हुआ? निश्चित रूप से चालू हुआ, सकारात्मक पहल है। अभी थोड़ा देर पहले कह रहे थे